स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो चैप्टर था वो फाइव का था, और फाइव में क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, चार तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर फाइव है ये, क्वेश्चन नंबर फाइव में फर्स्ट है 2x-y = 5, 4x-2y = 7। आपको क्रेमर रूल से प्रूव करना है कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है। तो देखिए, डिटरमिनेंट बराबर 2-1 4-2, तो इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है, तो -4 + 4 बराबर 0, यानी डेल्टा बराबर क्या आ गया आपका 0। हम इसका फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं, इसका 5-7 -1-2, तो ये आ जाएगा -10 + 7, तो यह आ जाएगा -3 ≠ 0, यह आ जाएगा इसका 2, तो 2 4 और 5 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ≠ 0, यानी हमारे पास डेल्टा ही 0 आ गया इसका, तो डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1 ≠ 0, डेल्टा 2 ≠ 0, तो ये जो है आपका इनकॉन्स्टेंट है, यानी कि असंगत है, इनकॉन्स्टेंट क्या है ये, इनकॉन्स्टेंट है, यानी कि असंगत है, ये असंगत है। इसका दूसरा पार्ट बोल देता हूं मैं, दूसरा पार्ट देखिए क्या है इसका, ये आपको सॉल्व करना है इसका दूसरा पार्ट। फाइव में दूसरा पार्ट है इसका, ये खुद सॉल्व करेंगे भाई, x + y + z 1 x + 2y + 3z = 2, 3x + 4y + 5z = 3, तो ये आप सॉल्व कर लेना इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए 1-2 1 और 4 बराबर 6 0 0 6, तो फाइंड ए, यानी कि फाइंड ए मैट्रिक्स ए, ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, ये जो ए दिया है इसको फाइंड करना है। अगर मैं इसको ए रखता हूँ, इसको मान लूँ बी, और बराबर इसको मान लूँ मैं सी, ये मेरे पास में आ गया ए, ये मेरे पास में मान, इसको मान लिया मैंने बी और इसको मान लिया सी, मेरे को ए फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, तो इसका मतलब बी को खत्म करना पड़ेगा, और बी कब खत्म होगा, जब बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तब खत्म होगा, ये बात समझ में आ रही है। ए फाइंड करना, मेरे को ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं, बी इनवर्स से, तो बी बी इनवर्स मिलके क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, यानी b खत्म हो जाएगा, तो दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो a b b इनवर्स बराबर c b इनवर्स, अब b b इनवर्स मिलके क्या बन जाएगा, i, ये जो b b इनवर्स बराबर क्या होता है, b b इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, i, तो ये क्या बन गया, a i बराबर c b इनवर्स,
अब ए आई बराबर क्या आ जाएगा, ए ए आई बराबर क्या बन जाएगा, ए, तो ये आ जाएगा ए बराबर सी बी इनवर्स। इसका मतलब ये बी जो आपने माना है, बी जो आपने माना है उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। बी मेरे पास में ये है, बी मैंने क्या माना इसको, तो देखिए बी बराबर, अब मेरे को बी इनवर्स निकालना पड़ेगा तो ए का मान निकल के आ जाएगा क्योंकि मेरे को मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है। तो बी बराबर देखिए 1 - 2, 1 और 4, ठीक है। तो बी का डिटरमिनेंट निकाल लो, तो बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2, 1 और 4। तो बी का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा भाई, बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा 4 + 2 यानी 6 ≠ 0, यानी बी इनवर्स का क्या होगा, इसमें अस्तित्व होगा, यानी बी इनवर्स इज एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बी इनवर्स इज एग्जिस्ट, बी इनवर्स इज एग्जिस्ट यानी कि बी इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है भाई। पहले एक बार पिक्चर लो, इसको देखिए ए, मेरे को फाइंड करना है मैट्रिक्स ए, ये बी मान लिया मैंने, ये सी है। अब देखिए मेरे को ए फाइंड करना है तो बी को यहां से खत्म करना पड़ेगा। बी कब खत्म होगा, जब दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बी बी इनवर्स मिलके क्या बन जाएगा आई, और ए आई क्या बन गया ए, और सी बी इनवर्स यानी इधर बी इनवर्स आ गया। अब बी इनवर्स आपको निकालने के लिए क्या करने पड़ेंगे, इसके एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे और कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो बी का डिटरमिनेंट निकाल लिया मैंने 6 ≠ 0। अब देखिए हम इसके कोफैक्टर निकालते हैं, क्या निकालेंगे कोफैक्टर, यानी इसके सेकंड निकालते हैं। तो देखिए F11 बराबर आ जाएगा, F11 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा -1 की पावर 1 + 1, क्या आ जाएगा 4 यानी कि 4। F12 -1 की पावर 1 + 2, तो अब की बार इसका निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये चला जाएगा, ये पूरा 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1। F21 -1 की पावर 2 + 1, अब की बार इसका निकालेंगे तो ये चला जाएगा पूरा, ये क्लॉज और ये क्लॉज माइनस का 2 तो प्लस का 2, यहां से माइनस आएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा। F22 -1 की पावर 2 + 2, मैं इसको निकालूंगा 4 को तो 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। अब देखिए D बनने वाला सी, इसको D मान लेता हूं, D बराबर यानी कि सेकंड से बनने वाला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा 4 - 1 - 1 - 2 और 1। एडजॉइंट निकाल दें, ए एडजॉइंट जे बी बराबर बी का ट्रांसपोज, इसका निकालेंगे 4 - 1 - 2 और 1। अब देखिए बी इनवर्स निकाल लें यहां से, तो बी इनवर्स बराबर ए एडजॉइंट जे बी अपॉन बी का डिटरमिनेंट, बी का डिटरमिनेंट क्या आ गया 1/6, कितना आ जाएगा 1/6, और ये आ जाएगा 4, 2 - 1 और 1, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर रखेंगे इसको, ए बराबर सी बी इनवर्स, बी का डिटरमिनेंट मेरे पास में क्या आ गया 6। अब देखिए यहां से इसमें रख देते हैं, अब देखिए यहां से ए बराबर बी इनवर्स 1/6 क्या आ गया 4, 2 - 1, 1, और सी सी मेरे पास में क्या है 6, 0, 0 और 6। तो ए बराबर क्या आ जाएगा वो देखिए, चलो याद कर लेता हूँ, ए बराबर 1/6 4 को 6 से 24 + 0, ये 0 + 12 और ये आ जाएगा -6 + 0, 0 + 6, तो ये आ जाएगा ए बराबर 1/6 24
12 माइनस 6 और 6, इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1 2 और 1। ये a की वैल्यू आ गई भाई, क्या आ गई a की वैल्यू आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। a बराबर माइनस 8 बाई 2 4, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i बराबर 0। आल्सो फाइंड a इनवर्स, पहले आपको जीरो प्रूव करेंगे फिर इसका ए इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। पहले इसको सॉल्व करते हैं, आई जीरो के बराबर प्रूव करेंगे इसको। पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको दो बार लिखेंगे माइनस 8 2 5 4 माइनस 8 2 5 और 4। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा 64 प्लस 10 अथवा 64 प्लस 10 माइनस का 40 प्लस का 5 के 20 माइनस का 16 प्लस का 8 10 प्लस 16 64 और 10 चौहत्तर माइनस के 8 माइनस के 20 26। ये आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i ए स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास में 74 माइनस 8 माइनस 20 26 प्लस 4a, ए मेरे पास में ये माइनस 8 2 5 और 4 माइनस 42i। आई देखिए ए आपके पास में क्या है, 2x2 में मैट्रिक्स है, 2x2 में, इसका मतलब आई भी क्या आएगी 2x2 में 1001। यह आ जाएगा 74 माइनस 20 माइनस 8 26 प्लस इस 4 को अंदर ले जाओ 32 20 8 16 प्लस माइनस 42 0 0 माइनस 42। ठीक है भाई, इस माइनस प्लस बढ़ाते हैं, अंदर माइनस को ले गया, देखिए इसको अवॉइड कर दो 74 माइनस 32 माइनस 42 माइनस 20 प्लस 20 प्लस 0 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 0 26 प्लस 16 माइनस 42 दो दो चार चार तीन सात 0, ये 0 वो 0 बारह दो तीन ये जी बराबर क्या आ गया जी राइट हैंड साइड क्या आ गई, ये चीज प्रूव हो गई। अब आपको इसी से क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है।
ये जो दिया है आपको इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस 42i बराबर जीरो, इसी से आप निकालेंगे इसका ए इनवर्स। क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। तो देखिए इसका ए इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे? ए इनवर्स निकालेंगे इसका। पहले जीरो प्रूव करेंगे इसका। अब इसी से देखिए इसका ए इनवर्स निकालना है, इसके कोफैक्टर में ही निकालना है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो कोफैक्टर में ही निकालना है। क्या नहीं निकालना है? कोफैक्टर में निकालना है, इसको ऐसे ही करना है। देखिए 42i को उधर ले जाता हूं तो ये बढ़ गया ए स्क्वायर प्लस 4a बराबर 42i। अब बोथ साइड में क्या कर दूं, ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ए ए इनवर्स ए प्लस 4 ए इनवर्स ए बराबर 42 ए इनवर्स i, ए इनवर्स आई। ये ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, ए इंटू ए में, ए के अंदर चला गया, ए बाहर रह गया। ए स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए और ए में दोनों तरफ किससे कर दिया, ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए इनवर्स ए क्या बन गया, आई। ए इनवर्स ए क्या बन गया, आई, पीछे बताया हुआ मेरा, प्लस यहां से क्या बन गया, फोर आई, और यहां से क्या बन गया, ए इनवर्स आई बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ए इनवर्स आई बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए आई क्या बन जाएगा, ए प्लस फोर आई बराबर 42 42 ए इनवर्स। अब देखिए हमारे पास में ए क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास में ये है 8 2 5 4 प्लस 4 आई, आई क्या हो जाएगा, 2x2 में मैट्रिक्स है तो 1001 आ जाएगा बराबर 42 ए इनवर्स। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो देखिए माइनस का 8 प्लस का 4 5 प्लस 0 और 2 प्लस 0 और 4 प्लस 4 बराबर 42 ए इनवर्स। तो 42 ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 5 2 और 8, तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/42 माइनस 4 5 2 और 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आगे ए इनवर्स बराबर 1/19 ए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 3 5 -2 then prove that A inverse बराबर 1/19 A। ये प्रूव करना भी आपको, तो देखिए A inverse निकालना पड़ेगा पहले तो इसका,
तो पहले इसको डिटरमिनेंट में लेके आएंगे, 2, 3, 5 माइनस 2, ए का डिटरमिनेंट बराबर आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 19 नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स की एग्जिस्ट, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब देखिए इसके को फैक्टर निकालेंगे, F11 बराबर माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, पहली रो गई पहला कॉलम गया, माइनस का 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 ये चला जाएगा माइनस का 2। F12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, ये चला जाएगा 5 आ जाएगा भाई, और ये आ जाएगा माइनस का 5, यहां से माइनस आ जाएगा। F21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 ये चला जाएगा 3, वो भी किसका, माइनस का। F22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 उसके बाद क्या आ जाएगा, ये चला गया 2, पॉजिटिव 2 आ गया। अब इससे बनने वाली देखिए सेकंड हाउस से बनने वाली मैट्रिक्स, इसको B मान लेता हूं, ये माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 और 2। अब इसका एडजर्ट निकालते हैं, B का ट्रांसपोज कर दें, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 और 2, माइनस 3 माइनस 2। अब इसका A इनवर्स निकालते हैं, A इनवर्स बराबर होता है A एडजर्ट J A अपॉन A का डिटरमिनेंट। A इनवर्स बराबर क्या होगा, A एडजर्ट J A एडजर्ट A अपॉन A, तो A का डिटरमिनेंट मेरे पास में आ गया माइनस का 1 अपॉन 19, एडजर्ट A मेरे पास में आ गया माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2, तो A इनवर्स बराबर हमें इसमें माइनस कॉमन ले लो तो 1 अपॉन 19 2 3 5 और माइनस 2 2, 3, 5, माइनस 2, ये किसके बराबर आ गया भाई, A के बराबर आ गया, तो A इनवर्स बराबर 1 अपॉन 19 A, किसके बराबर आ गया वापिस A, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया भाई, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इम्प्रूवमेंट आ गया आपका, क्या आ गया, इम्प्रूवमेंट आ गया ये। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए बराबर ये है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, फाइंड ए इनवर्स एंड सो दैट and so that A inverse A बराबर I3, A inverse A बराबर क्या दे रखा है I3, A inverse find करना आपको और ये show करना है कि A inverse A बराबर क्या हो, I3 के बराबर आ जाए। तो देखिए पहले इसका determinant निकालेंगे A का, 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे 1, 16 माइनस 9 माइनस 3, 4 माइनस 3 प्लस 3, 3 माइनस 4 ये आ जाएगा 7, 4 3 माइनस 3 माइनस का 1 माइनस 3 ये आएगा 7 माइनस 6
वन नॉट इक्वल टू जीरो, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा अब इसके देखिए कोफैक्टर निकालते हैं कोफैक्टर F11 बराबर माइनस ए की पावर एक प्लस ए तो क्या आ जाएगा 7 F12 निकालेंगे माइनस ए की पावर 1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का 1 F13 निकालेंगे माइनस ए 1 प्लस 3 तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा माइनस का 1 ठीक है भाई। अब हम निकालेंगे F21 निकालेंगे माइनस एक की पावर 2 प्लस 1 पूरी रोज चली जाएगी ये चला जाएगा 4 3 12 -9 12 -9 9 3 12 3 9 प्लस 1 3 माइनस का 3 F22 माइनस एक की पावर 2 प्लस 2 इतना गया 4 माइनस 3 1 आ गया F23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 2 प्लस 3 तो ये चला जाएगा 3 माइनस 3 0 0 आ जाएगा। अब निकालेंगे F31 देखिए F31 ये निकालेंगे तो ये चला जाएगा 9 माइनस 12 माइनस का 3 3 प्लस 1 3 प्लस 1 माइनस का 3 F32 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 2 ये कितना आ जाएगा 4 F32 निकालो ये क्या है ये क्या 3 माइनस 3 0 0 आ गया भाई। F33 निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इसमें क्या आ जाएगा ये चला गया और ये चला गया 4 माइनस 3 1 बराबर है देखिए इससे बनने वाली जो सेकंड से बनने वाली मैट्रिक्स B बराबर मान लेता हूं मैं F11 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 अपर यानी कि सेकंड से बनने वाली जो मैट्रिक्स है वो ये है ठीक है भाई। अब इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं हम इसका क्या निकालें एडजॉइंट अब इसका निकाल लेते हैं एडजॉइंट इसका एडजॉइंट निकालें चलो यहाँ निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट पता नहीं कोई मिस्टेक निकली आए तो संभालने की जरूरत पड़ जाए इसको ऐसे तो हम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई होगी तो देख लेंगे तो देखिए ए एडजॉइंट जे ए बराबर बी की ट्रांसपोज करेंगे तो 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 और 0 माइनस 3 0 और 1 ए इनवर्स बराबर ए एडजॉइंट जे ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट
तो ए का डिटरमिनेंट तो एक आ गया, ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया एक, तो जैसे कि ऐसे आ जाएगी 7 -3 -3 -1 और 1 और 0 -1 0 और 1 ये आ गया। अब सर सिद्धि क्या करना है भाई, इसका ए इनवर्स तो सी आ रहा है क्या, देख लेते जरा -3 -3 -1 -1 0 -1 0 ठीक है भाई सही आ रहा है, ए इनवर्स अपना सही है। अब देखिए मैं क्या निकाल लेता हूँ, इसको प्रूवमेंट भी करना है, ए इनवर्स आ गया हमारे पास में एंड सॉल्व ऐड करना आपको ये आई थ्री के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसकी ए इनवर्स ए निकालेंगे, तो ए इनवर्स मेरे पास में ये आ गया 7 -1 -1 -3 और ये 1 आ जाएगा और ये 0 -3 0 और ये 1 और ए ए मेरे पास में ये है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे भाई, देखिए क्या आएगा 7 -3 -3 हो गया, 7 21 -12 -9 7 21 -9 -12 -1 +1 +0 -3 +4 +0 -3 +3 +0 -1 +0 +1 -3 +0 +3 -3 +0 +4। हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा 4 3 3 6 3 3 6 7 1 ये 0 ये 0 9 2 11 21 12 9 11 1 1 2 21 0 12 9 21 0 4 1 ये 0 ये 0 ये 0 4 3 1 ये किसके बराबर आ गया भाई, I3 के बराबर आ गया, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है ये, तो ये किसके बराबर आ गया I3 के बराबर, ये प्रूवमेंट आ गया आपके राइट हैंड साइड आ गया। तो ये थे आज आपके क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 था सर, क्वेश्चन नंबर 9 था, बाकी क्वेश्चन कल निकालेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।